तो दोस्तों टिकी एप्लीकेशन पर टिकी हॉनर बेज करके नया अपडेट आया है, जिसमें आपको कई सारे बेज मिल सकते हैं अपने प्रोफाइल पर लगाने के लिए। तो क्या क्या इसके बेनिफिट्स होने वाले आपको और ये बेज जो होते हैं वो किस तरह से आपको मिलने वाले हैं अपने प्रोफाइल पर। हालांकि मैं बता देना चाहूँगा, मेरे को 21 टिकी हॉनर बेज मिल गए हैं और अभी भी मुझे मिलने वाले हैं। तो किस तरह से आपको भी ये बेज मिलेंगे, तो सबसे पहले आपको टिकी एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना होगा। टिकी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर में जाके अपडेट कर लेना, आपके भी प्रोफाइल पर जो भी बेज आपके अवेलेबल हुए हैं वो शो होने लगेंगे, ठीक है। और नए बेज आप अगर आना चाहते हो अपने प्रोफाइल पर, तो किस तरह से आपको मिलेंगे और किस बेज की क्या क्या डिटेल होती है, सब कुछ डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। और वो वाला बेज यानी कि जो भी बेज है वो किस तरह से आपको मिलने वाला है अपने प्रोफाइल पे, तो सारी की सारी डिटेल में आज जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहना, हम जाएंगे मोबाइल की स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों हम आ गए हैं हमारे प्रोफाइल पर। आप देख सकते हो मेरे प्रोफाइल पर ऑलरेडी ग्रेविटिक लगा हुआ है। अगर आपको भी ग्रेविटिक और लाइव ऑप्शन दोनों साथ में चाहिए, तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखी जिसमें एजेंसी के थ्रू आप लाइव भी आ सकते हो और ग्रेविटिक भी इसकी मदद से आपको मिल सकता है और अर्निंग भी आपको लाइव की मिलेगी, ठीक है। तो इसके लिए जो वीडियो बनाई इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां पर आपको फॉर्म मिल जाएगा। फॉर्म फिल करके आप लाइव भी आ सकते हो, ग्रेवी भी ले सकते हो और अच्छी खासी अर्निंग टिकी एप्लीकेशन से कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो आपने अगर टिकी एप्लीकेशन को अभी तक जो अपडेट करना है वो अपडेट नहीं किया है, तो प्ले स्टोर के जाके आप अपडेट ज़रूर कर ले, ताकि आपके भी अंदर ये वाला नया फीचर ऐड हो जाएगा, ठीक है। आज तक के आपने जितने भी बेज विन किए हैं वो यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे टोटल जो बेज है वो है 21 टिकी हॉनर बेज, ठीक है। टिकी हॉनर बेज नया अपडेट है और यहाँ पर यूज़र, क्रिएटर और कैंपेन, इस तरह से तीन प्रकार के आपको बेज मिलते हैं। टोटल बेज कितने हैं तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पर 6 और 4 10, और यहाँ पर है लगभग 12 और 13 14 24 और 25। टोटल 25 बेज है और इनमें से मैंने 21 विन कर लिए, ठीक है। अभी मेरे 4 बेज और बाकी हैं जो मैं विन कर लूँगा। किस तरह से आपको यहाँ पर काम करना है, किस तरह से आपको ये सारे बेज मिलेंगे, सब कुछ मैं आपको बेज बाय बेज बताने वाला हूँ, ठीक है। तो बने रहना वीडियो के अंत तक, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन 25 बेज आपको कैसे मिलेंगे, सारे के सारे बेज को मैं एक एक करके समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्टिव यूज़र वाले बेज की। यहाँ पर देख सकते हो 180 दिन आपके कंप्लीट हो जाते हैं टिकी पर, तो ये वाला बेज आपको मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं बोनाफाइड बेज कैसे मिलेगा। तो यहाँ पर सर्टिफाइड टू बी ए वेरीफाइड यूज़र, यहाँ पर आप अपना प्रोफाइल सर्टिफाइड कर देते हो तो तुरंत ये बेज भी आपको मिल जाता है, ठीक है। जैसे कि आप अपने प्रोफाइल में अपने DP लगा देते हो, अपना प्रोफाइल वगैरह जो होता है, तो वेरीफिकेशन के लिए आप भेज देते हो, तो सर्टिफाइड बेज भी आपको मिल जाता है, जो कि ये बेज है बोनाफाइड, ठीक है। इसके बाद अट्रैक्टिव में आपको क्या करना है, तो यहाँ पर कॉम्युलेटिव, यहाँ पर इफेक्टिव कमेंट्स, यानी कि आपको 10 कमेंट करने हैं दूसरे के वीडियो पर। जो भी वीडियो आपके होम पेज पे आते हैं उनको कम से कम, सारे के सारे वीडियो में नहीं लेकिन एक एक वीडियो में एक एक कमेंट करना है, तो टोटल 10 कमेंट आपके हो जाएंगे, तो ये बेज भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम बड़ी के बारे में बात करते हैं। तो बड़ी में आपको क्या करना है, तो टोटल आपके 100 वीडियो कम्प्लीट हो जाते हैं टिकी एप्लीकेशन पर, तो 100 वीडियो आप अपलोड कर देते हो तो ये बड़ी वाला बेज भी आपको मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं गार्डियन में क्या है। तो यहाँ पर जो स्टार होते हैं, स्टार जो आप 50 स्टार गिफ्ट कर दोगे दोस्तों को, तो ये वाला गार्डियन बेज भी आपको मिल जाएगा। फिर है एंजल में क्या है, तो यहाँ पर BCOM एंजल ऑफ 20 टिकी क्रिएटर, तो ये वाला बेज भी मुझे मिल गया है। यहाँ पर आपको BCOM एंजल ऑफ, यहाँ पर जो एंजल होते हैं मतलब कि आपको जो फॉलो करता है और उन्हें आप फॉलो बैक करते हो तो एंजल बन जाते हैं दोनों, ठीक है। तो इस तरह से आपको 20 बंदों को फॉलो और फॉलो बैक लेना है, ठीक है, तो एंजल वाला बेज भी आपको मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर पार्टन, ये वाला बेज अभी मेरे कंटिन्यू अभी प्रोसेस में है, अभी तक मुझे मिला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि आपको स्टार जो होते हैं वो परचेज करने हैं। स्टार परचेज कैसे करने हैं, तो यहाँ पर आप वॉलेट में जाओगे तो परचेज का एक ऑप्शन होता है, ठीक है। यहाँ पर स्टार पे आओगे तो यहाँ पर परचेज का एक ऑप्शन होता है ये वाला, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो स्टार परचेज करने के लिए यहाँ से रिचार्ज करना होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ से अगर 100 स्टार खरीदते हो तो ये वाला बेज आपको मिल जाता है। सॉरी दोस्तों, तो पैटर्न वाला ये बेज आपको 100 स्टार खरीदने पर मिलता है, ठीक है, लेकिन मैं स्टार खरीदने वाला नहीं हूँ, ठीक है। तो स्टार हंट वाला है ये, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है माइडस ही में आपको क्या करना है, तो यहाँ पर 1 टाइम 100 स्टार गिफ्टिंग
वन टाइम, यानी कि एक टाइम में आप किसी को 100 स्टार, यानी कि सॉरी दोस्तों यहाँ पर 1000 स्टार है, 1000 स्टार आप एक टाइम में किसी को सेंड करते हो तो आपको ये बेज मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये वाला बेज है, इसका नाम है प्रॉस्परस। यहाँ पर आपको 50 स्टार यहाँ पर गिफ्ट करने पर मिल जाता है। ठीक है, ये तो इजी है एकदम। तो 50 स्टार आप किसी को गिफ्ट करोगे तो ये बेज आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बेज के लिए आपको 50 स्टार गिफ्ट करने हैं। ठीक है, इसके बाद वाला बेज है ऑफिशियल एजेंट। ऑफिशियल एजेंट बेज जो है थोड़ा मुश्किल है। यहाँ पर रिक्रूटमेंट एंड साइन एटलीस्ट वन लाइव होस्ट, यहाँ पर आपको लाइव मिलेगा, इसके बाद ही ये मिलेगा। ठीक है, तो लाइव ऑप्शन के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो डाली है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एजेंसी के थ्रू आप लाइव ले सकते हो और यहाँ पर एटलीस्ट वन लाइव होस्ट करोगे तो आपको मिलेगा ये बेज। ठीक है, इसके बाद हम जाएंगे क्रिएटर में। क्रिएटर में किस तरह के बेज मिलते हैं और कैसे कैसे आपको मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला ये बेज है, इससे पाने के लिए आपको क्या करना है, तो 1000 फॉलोअर्स कंप्लीट होने पर आपको ये बेज मिल जाता है। इसके बाद है ये वाला बेज टिकी सर्टिफाइड। टिकी पे आपको जब वेरीफाइड क्रिएटर का बेज मिल जाता है तो यहाँ पर आपको गेट ऑफिशियल वेरीफिकेशन यहाँ पर करवाना है, मतलब कि ग्रेवी टिक मिलने के बाद ये बेज आपको मिल जाता है। इसके बाद है लाइव होस्ट। लाइव होस्ट के लिए आपको क्या करना है, तो लाइव की मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो लाइव मिलने के बाद जब भी आप फर्स्ट लाइव कंप्लीट कर लोगे तो यहाँ पर आपको ये बेज मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद है फायरबैल। ये वाला बेज आपको कैसे मिलेगा, तो एक्टिव वीडियो पोस्टिंग 9 डे, यानी कि 9 डे तक आपको एक एक वीडियो डालनी है, तो टोटल 9 डेज आप एक्टिव रहोगे और 9 डे तक एक एक वीडियो डालते रहोगे तो ये वाला फेयरवेल वाला बेज मिल जाएगा। इसके बाद है ये वाला ट्रेंड सेटर। ट्रेंड सेटर में आपको क्या करना है, तो वीडियो पोस्ट अंडर ऑफिशियल हैशटैग, यहाँ पर आपको ऑफिशियल हैशटैग पर 100 टाइम वीडियो बनानी है, 100 वीडियो बनानी है मतलब। ठीक है, तो जो भी ट्रेंडिंग हैशटैग आते हैं, ऑफिशियल हैशटैग आते हैं, उस पर आप 100 वीडियो कंप्लीट कर लोगे तो ये बेज आपको मिल जाएगा। इसके बाद है ग्रेसियस। ग्रेसियस वाला बेज जो है, इसे पाने के लिए आपको क्या करना है, तो रिप्लाई टू फ्रेंड कॉमेंट। तो जो भी फ्रेंड आपको कॉमेंट करते हैं उसकी कमेंट को आपको रिप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा करना है। यहाँ पर आपको 10 टाइम ऐसे रिप्लाई कर दोगे तो ये बेज आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद है ये वाला बेज जिसका नाम है चैरिस्मेटिक। यहाँ पर आपको क्या करना है, तो रिसीव 5000 लाइक, तो आपकी सारी की सारी वीडियो की टोटल लाइक 5000+ हो जाती है तो ये वाला बेज मिल जाता है। इसके बाद ये वाला बेज है, इसमें आपको नंबर ऑफ़ यूज़र कमेंट 500, तो आपको 500 कमेंट रिसीव हो जाती है यूज़र से, जो भी यूज़र आपको कमेंट करते हैं टोटल 500 कमेंट रिसीव हो जाती है तो ये वाला बेज आपको मिल जाता है। इसके बाद है सेलिब्रिटी। यहाँ पर आपको रिसीव स्टार, यानी कि 500 स्टार आपके जब भी रिसीव हो जाते हैं टोटल, तो यहाँ पर आपको ये बेज मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद लाइव स्ट्रीम की अगर बात करें, तो लाइव स्ट्रीम के लिए आपको क्या करना है, तो लाइव का तो मैंने फॉर्म नीचे दे रखा है, मतलब कि लिंक है वीडियो की, इस वीडियो को प्ले करोगे तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में फॉर्म मिल जाएगा वो वाली वीडियो के, तो वो फॉर्म फिल करके आप लाइव ले सकते हो और ये सारे बेज आपको मिल सकते हैं। ठीक है, लाइव में आपको क्या करना है, तो एक घंटे का एक फर्स्ट लाइव करोगे तो लाइव टैलेंट वाला बेज मिल जाएगा। इसके बाद ये वाला बेज अगर चाहिए तो 7 दिन तक आपको लाइव आना है, 30 मिनट तक ही। ठीक है, इसके बाद ये वाला, तो लाइव में जो 1000 व्यूअर्स आ जाते हैं लाइव में, तो ये बेज भी आपको मिल जाता है। फिर है बैंकर। बैंकर में क्या है, तो लाइव के थ्रू आपको T20 जो होते हैं वो 50 टॉइन मिलते हैं गिफ्ट में, तो ये बेज मिल जाता है। इसके बाद है चार्मर। ये वाला बेज आपको चाहिए तो गिफ्ट 10 टाइम, यानी कि रिसीव गिफ्ट 10 टाइम, तो 10 टाइम आपको रिसीव मिलती है, मतलब कि स्टार मिलते हैं, तो आपको ये बेज मिल जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों कैंपेंग। कैंपेंग में क्या होता है, तो जो भी टिकी के ग्रुप होते हैं, ज्वाइन एनी फैमिली, जो जो फैमिली होती है, इसे आप कोई भी एक फैमिली ज्वाइन कर लोगे तो ये बेज आपको तुरंत मिल जाएगा। फैमिली क्या बोलते हैं, तो फैमिली में ये वाली फैमिली आप देख सकते हो जिस तरह से मेरे प्रोफाइल पर है, ये मेरी फैमिली है और ये मैंने ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी फैमिली ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ से ये सारी फैमिली आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो ये फैमिली आपको यहाँ पर मिल जाएगी, जो भी फैमिली पे आप ज्वाइन करना चाहते हो क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। थोड़ा नेट स्लो है तो खुलने में देरी हो रही है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सारी की सारी फैमिली आपके सामने है, जिस पर क्लिक करोगे ज्वाइन करना चाहते हो तो रिक्वेस्ट करनी है, इसका जो एडमिन होता है इसे आपको मैसेज करके बताना है कि मुझे भी ये फैमिली आपकी ज्वाइन करनी है। ठीक है, तो इस तरह से फैमिली का ये टैग आपके प्रोफाइल पर भी शो हो जाएगा और फैमिली वाला जो कैंपेन का बेज है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है,
तो 25 बेज इस तरह से आपको मिलते हैं। और इस बेज के बेनिफिट्स की अगर बात करें तो दोस्तों सिंपली यहाँ पर आपके प्रोफाइल पर जचे रहते हैं, वो प्रोफाइल इससे अच्छा दिखता है और कुछ ज़्यादातर बेनिफिट नहीं है, लेकिन ये सारे बेज अगर आपको मिल जाते हैं तो आप एक ऑफिशियल टिकट क्रिएटर बन जाते हो और इससे अर्निंग के भी चांस बढ़ जाते हैं। जो भी ब्रांड कोलाब्रेशन वगैरह आते हैं तो आपको मिलते रहते, ठीक है। और जो भी ऑफलाइन और ऑनलाइन इवेंट्स होते हैं तो आपको वहाँ पर बुलाया जाता है, ठीक है। और इससे आपका फैन फॉलोइंग भी ग्रो अच्छी खासी हो जाती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज के सारे बेच के बारे में मैंने जो बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। और कोई भी डाउट्स हो तो इंस्टाग्राम का लिंक मेरी डिस्क्रिप्शन में है वीडियो की, वहाँ से जाके मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो जो भी सवाल हो इसके बारे में। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।